हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास वीडियो क्लासेस। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम जो सेंड किया आपको, उसके क्वेश्चन ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसी के हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देख सकते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है अपने। हमारे पास में बहुत सारे एटम्स हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन, है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास होता है 1। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को हम डिनोट करेंगे पी से। कितने प्रोटॉन होंगे इसके पास? एक ही प्रोटॉन है इसके पास। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? एटॉमिक वेट में से एटॉमिक मास को हम एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 1 - 1 = 0। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन जो है इसके पास में कितने हैं? 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना, पहले में इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 यहां पर। ठीक है, मतलब इसमें केवल एक ही ऑर्बिट है, इसको हम लेंगे के। एक ही इसके पास में जो है वो एक ही शेल है इसके पास में। हाइड्रोजन के पास में केवल एक ही शेल है ना। जैसे पहले इसमें बात करें इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की, इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले होते 2, दूसरे में 8, 8, 18, 18, 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना ही जो है वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। इसके पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास में, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहां पर आ गया हमारे पास में 1, मतलब इसके पास में केवल एक ही ऑर्बिट है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, या हमने इसका बना लिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे पहले प्रोटॉन कितने हैं? 1, तो p = 1। न्यूट्रॉन कितने इसके पास में? न्यूट्रॉन n = 0। इसके बाद में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए यहां। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हम हीलियम, हीलियम का 2H4, हीलियम का भी ऐसी बनाएंगे हम। हीलियम का प्रोटॉन लिखेंगे सबसे पहले, प्रोटॉन पी, एटॉमिक नंबर 2, तो प्रोटॉन भी 2। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं अपने, 4 - 2 कितने हो गए हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2। पहले ऑर्बिट में कितने रहते मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमने लिखा उसके पास में 2 ही है, तो हाइड्रोजन के पास में 1 था तो केवल 1 ही शो किया हमने। ठीक है, पहले 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। अगर हमारे पहला फिल हो जाता, पूरा पैक हो जाता, तो अगले इसमें चले जाते वो, है ना। यहाँ पर इसके बाद 2 थे तो पहले इसमें वो फिल हो गए। चलिए पहले ये न्यूक्लियस बना लिया, फिर ये एक और, इसके बाद में भी एक और बनेगा, के प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? प्रोटॉन 2 है इसके पास, और न्यूट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी 2 है ना, दोनों के पास में 2 है। और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको बड़े वाले का बता दें किस तरह से कर रहे हैं, आगे देखते हैं अपन। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं सल्फर का, देखते हैं सोडियम और आर्गन का।
चलिए अब देखते हैं, हम सबसे पहले सल्फर का देखते हैं ना। सल्फर, सल्फर एस 16 और उसका एटॉमिक जो वेट है वो है 32। समझ में बात। चलिए सबसे पहले प्रोटॉन देखते हैं, इसमें कितने हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पी प्रोटॉन है 16। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 कितने हो गए 16। चलो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2, इसके बाद में कितने हैं, इसके बाद में कुल 16 है। पहले में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए 10। अगले वाले में फिर 8 रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद में कितने बचे हैं आप, इसके बाद में 2 8 हो गए 6 बचे, तो 6। समझ गए बात आपके। तो 16 को मैंने इस तरह से ब्रेक किया 2 8 6, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में बचे हुए है ना, तो बचे हुए तो ये 6 बचे हैं आपको, तो 6 कर दिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितने शेयर हैं, के एल और एम। इसके बाद में 3 ऑर्बिट है, 3 शेयर है। सबसे पहले मैं न्यूक्लियस बना लिया हमने, ये देखो प्रोटॉन कितने, इसके पास प्रोटॉन है 16, न्यूट्रॉन ये भी है, कितने ऑर्बिट 1 2 3 ऑर्बिट्स, 1 2 और ये उनके, पहले में 2, 1, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे में 6, 1, कई बार भी दे सकते हैं 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख सकते हैं के एल और एम। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, अब लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आर्गन। चलिए स्ट्रक्चर में आर्गन की बात कर रहे हैं, आर्गन में क्या रहता है, सबसे पहले वो देखते हैं हम आर्गन है ना। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 18, एटॉमिक मास 14 है। तो सबसे पहले प्रोटॉन लिखेंगे, प्रोटॉन पी 18, न्यूट्रॉन 14 माइनस 18 कितने हो गए भैया 22। चलो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8, ठीक है ना, कितने हो गए 8 और 8 16 और 2 18 है ना। देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 है ना। चलिए ये हो गए के एल और ये एम। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियस बनाएंगे, यानी कि पी या एन, पी में 18 और एन में 20। तीन ऑर्बिट बना लीजिए, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। पहले में 2, दूसरे में 8 और चौथे में भी, सॉरी तीसरे में भी 8। इस तरह से आप उसको डार्क करके ये बना दो, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आर्गन। ठीक है, ऐसे आपको बनाने हैं। अगला और देखते हैं हम, चलिए फिर से देखते हैं सोडियम का, देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस होता है 23।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो उतने इसमें प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन लिख लेते हैं अपन, प्रोटॉन p कितने हो गए हमारे पास में 11। उसके बाद में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, वेट में से नंबर को माइनस कर देते, तो 23 माइनस 11 कितने आ गए हमारे पास में 12। ठीक है, अब इसका अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में कैसे है? पता है आपको, पहले में 2, 8, 8, 18, 18 इस तरह से फिल किया जाता है। इसके पास में कितना है 11, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 हो सकते हैं, लेकिन इसके पास में बचे ही नहीं। इसके पास में कितने बचे, 8 + 2 = 10, कितना बचा है 1, ये हो गया 11। मतलब इसमें भी तीन ऑर्बिट है, तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हम फील कर सकते हैं, सेकंड में भी 8 और फर्स्ट में 2। चलिए अब क्या करेंगे हम, इसके ऑर्बिट के नाम लिख दिया हमने के एल और एम। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस बनाते हैं, ये न्यूक्लियस बना लिया हमने, यानी कि पी एन, पी के प्लेस में हम कितना लिखेंगे 11 और एन के प्लेस में हम लिखेंगे 12, है ना। और हम तीन शेल बना लेते हैं, ये पहली शेल, दूसरी शेल आप जो है वो प्रोटेक्टर से बनाना, ठीक है ना, तीन शेल बना। अब फिल कर दो इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, तो पहले में हमने 2 फिल कर दी, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और लास्ट में कितनी 1, तो 1 का एक्वल भी शो कर दीजिए, ठीक है ना। शेल के नाम भी लिख सकते हैं आप के एल और एम, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो इस तरह से आप दूसरे जो है वो आप इस तरह से ही बना लेंगे, ठीक है ना।